हेलो गाइस, वेलकम टू ओटीएस। आई एम आश भदौरिया। नाउ दिस इज द लेक्चर रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एक बहुत ही जरूरी बात आप लोगों को बतानी है, और इन दिस लेक्चर आई शैल एक्सपाउंड यू सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द रीसेंट अडानी एंड द हिंडनबर्ग कॉन्ट्रोवर्सी, जो उसके बारे में कंटेंशियस डिबेट चल रही है, उसके बारे में चंद बातें मैं आपको बताऊंगा और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो हम शुरुआत करते हैं उस जरूरी सूचना से। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, CUET जो एग्जाम है उसकी डेट शीट आ गई है। जल्दी ही उसके फॉर्म्स भी आ जाएंगे फिलअप करने के लिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम होगा वो 21 जून से लेके 31 जून के बीच में कहीं होगा। 10 दिन का गैप स्लैब मिलता है, तो 21 जून से लेके 31 जून तक के बीच का समय मिला है, उनमें कहीं बीच में एग्जाम होगा। अच्छा, हमारे चैनल पर जो डोमेन स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, इस डोमेन स्पेसिफिक के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हम कंटेंट बनाते रहेंगे अपने चैनल पर। और हमारे चैनल पर जो वीडियोज अपलोड होंगे रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसकी मदद से, उसके थ्रू CUET का जो एग्जाम है 21 से 31 के बीच में जो होगा उसको क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, उसको निकाला जा सकता है। जितने भी उस एग्जाम में फिलोसफर्स वगैरह आते हैं, जो भी सिलेबस है CUET का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, वो सब हमारे यहाँ कंप्लीट होगा। अभी 4 से 5 महीने है, रेगुलर वीडियोज आएंगी, जो भी सिलेबस है पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिससे आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं मैं कि जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कोड वर्ड है, जो कोड है CUET में, वो मैंने ये लिख रखा है यहां पर, PCQ PG 42। ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करते हुए आपको यही कोड वर्ड लिखना है, ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही आपका फॉर्म डले। ठीक है, ये कोड वर्ड है। और मैंने बताया आपको सिलेबस पूरा जो है कवर कराया जाएगा, रेगुलर वीडियोस आएंगे इस चैनल पर, और जितने भी फिलोसोफर्स से लेके इंडियन फिलोसोफर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर, फिर थ्योरीज ऑफ स्टेट, फिर थ्योरीज ऑफ गवर्नमेंट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, देन दिस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सब जितना भी सिलेबस में कवर किया जाएगा वो सब आपको यहाँ बताया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखिए रेगुलर तरीके से, और अपना CUET की जर्नी को फ्रूटफुल तरीके से फुलफिल कीजिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमारे जो वीडियो के जो कंटेंट है, अडानी और हिंडनबर्ग का। बेसिकली हिंडनबर्ग एक कंपनी है जिसमें 5 लोग काम करते हैं, ऐसा वो बताती है विकिपीडिया पर, या जो और सोर्सेस है उसमें जो दे रखा है, 5 लोग काम करते हैं। उसका जो ओनर है, जो CEO है, वो बेसिकली एक CFO है, CFO का एग्जाम होता है। ओके, तो वो बेसिकली एक CFO है, और इससे पहले भी वो एक कंपनी बर्बाद कर चुका है, दैट इज निकोला। निकोला वाज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, उसको भी लपेट चुका है ये। बेसिकली हिंडनबर्ग करता क्या है कि कंपनी के बारे में ये ऐसी रिपोर्ट्स निकालता है। अब वो जिसने रिसर्च करी है, नहीं करी है, ये उसका उसकी बातें हैं, ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। तो उसने रिपोर्ट निकाली, शेयर्स डाउन हुए, अब वो शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप क्या करते हो, उधार में शेयर्स खरीद लेते हो किसी कंपनी के। ठीक है, उधार में आपने शेयर्स ले लिए। ठीक है, अब वो शेयर्स आपके पास हो गए और आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जहां से शेयर्स खरीदे थे। अब वो शेयर गिरेंगे, ठीक है, शेयर सब वो गिरेंगे, तो आपके पास जो पैसा होगा और जो शेयर का, अब जो शेयर का प्राइस है उसमें डिफरेंस आ गया ना, उसमें डिफरेंस आ गया है, तो अब जो भी बंदा आपसे शेयर लेगा तो आप उतने परसेंट प्रॉफिट में होगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये शॉर्ट सेलिंग काम करता है, इसने पहले भी किया, अब इसने निगाहें जमाई है अडानी ग्रुप पर। अब अडानी ग्रुप से इसने 88 क्वेश्चंस पूछे थे, 88 सवाल। ठीक है, उसने 88 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसका रिप्लाई अडानी ने फिर अपने ट्विटर वगैरह अकाउंट पे किया है, और फिर उनमें टग ऑफ वॉर चल रही है कि आप इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा नहीं देखना चाहते, इसलिए आपने ये सवाल किया, एंड वो सब वो एक अलग मुद्दा है। असल में हुआ क्या है और आगे क्या हो रहा है, मैं इसमें आपको मैं वीडियो में बताना चाहूंगा। ये सब कुछ हो गया, तूफान पूरा। अच्छा, अब हुआ क्या है, UAE की जो रॉयल फैमिली है, जो
यूनाइटेड अरब अमीरात की जो रॉयल फैमिली है उसने अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की है। कितने की इन्वेस्टमेंट की है? 3260 करोड़ रुपए की। कितने की? 3260 करोड़। दिस 400 मिलियन डॉलर्स या 3260 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। इसके दो फायदे हैं। एक तो जो एफपीओ अडानी ने निकाला था, ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग जो निकाली थी अडानी ने, जो उनका टारगेट था 2000 करोड़ रुपए का, वो फुलफिल हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में भरोसा उठा है कि जब इतनी बड़ी फैमिली ने उसमें इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब सब कुछ ब्लैकिश नहीं है, ठीक है, देयर इज अ रे ऑफ होप, सब कुछ ब्लैकिश नहीं है और जितना ये दिखाया जा रहा शायद उतना खराब नहीं है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? हाइफा पोर्ट, जो हाइफा शहर है इसराइल में, उसका एक इतिहास है। हाइफा शहर को बेसिकली इंडियन आर्मी ने लिबरेट कराया था वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर से, तो हाइफा का एक अलग जुड़ाव है इंडिया के साथ। और भारत में भी एक हाइफा चौक है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया था, हाइफा चौक के नाम से है वो, ठीक है। तो हाइफा जो शहर है वहां एक पोर्ट दिया गया है अडानी को। बेसिकली अडानी ने बिड लगाया था, चाइना लगभग खरीद रहा था उसको, बट यूएसए ने ब्लॉकेट कर दिया। उसके बाद अडानी ने बिड की और अडानी वो बिड जीत गए। तो जल्द ही वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो अडानी को खुद हैंडओवर करेंगे हाइफा पोर्ट। तो ये दो बेसिक अच्छी खबरें हैं जो अडानी ग्रुप्स के लिए आई हैं, जिनसे वर्ल्ड मार्केट में उनका जो रुतबा है वो शायद फिर से बढ़ेगा, जो उनकी एक क्या कहना चाहिए हमको, जो उनकी रेपुटेशन है उनके स्टॉक्स की, उनके शेयर्स की, वो थोड़ी स्टेबलाइज होगी, ठीक है। और बेसिकली 400 मिलियन डॉलर वाली जो डील है इसने बहुत फायदा पहुंचाया, बहुत फर्क दिया है रेपुटेशन को दोबारा बिल्डअप करने में, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने आपको ये पॉइंट बताया 400 मिलियन डॉलर का। एफपीओ 20,000 करोड़ का, सॉरी, एफपीओ जो उनको इकट्ठा करना था उसमें उनको मदद मिल गई है और वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 88 सवाल पूछे गए थे उनसे, जिसमें से 63 सवाल तो अडानी ने ये कह दिया था कि ये बेकार है। 63 क्वेश्चंस अडानी ये बोल दिया था कि ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इनके जवाब अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रखे हैं, आपने वो पढ़ा नहीं है, आपके पास एक सनसनीखेज, आपको एक रिपोर्ट निकालनी थी वो आपने निकाली है, ठीक है। दूसरी बात, अडानी ने ये बोली है कि इंडियन इकोनॉमी पर ये सीधा हमला है, हिंडनबर्ग का, वो नहीं चाहती कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो। तो बेसिकली थोड़ा सा नेशनलिज्म से जोड़ दिया है ताकि पब्लिक सेंटीमेंट्स भी जग जाए। ये थोड़ी सी अब ट्रिक कह लो या हो सकता है सच कह रहे हो, ये उनकी बात है, ये अभी हमें कुछ नहीं पता। हमें केवल इतना पता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, सऊदी यूएई की फैमिली ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें हाइफा पोर्ट भी मिल गया है। तो बेसिकली लंबा लंबा बात का ये है कि रेपुटेशन जो थी अडानी की, जो गिरी थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है, वो थोड़ी सी ऊपर उठी है। हालांकि कुछ शेयर्स हैं उनके जो अभी भी डाउनफॉल पे हैं और वो खुद भी शायद 11वें नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की लिस्ट में। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा मैं आपको फर्दर बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है जिसने इन्वेस्ट किया है? यूएई की फैमिली ने इन्वेस्ट तो किया है, बट किस कंपनी के थ्रू, उसका नाम क्या है? उसका नाम है IHC, इंडिया इंटरनेशनल होल्डिंग को, इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की गई है अडानी के एफपीओज में, ठीक है। और हाइफा पोर्ट की मैंने आपको बताई दी, उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि कैसे इंडिया से वो रिलेटेड है, हाइफा चौक के बारे में बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको अनाउंसमेंट बता दी CUET की। सो रेगुलर वीडियो CUET के आएंगे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम वेस्टर्न फिलोसोफर्स से, फिर हम इंडियन फिलोसोफर्स पर जाएंगे, उसके बाद हम थ्योरीज ऑफ स्टेट्स पर जाएंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद यूएस हेजेमनी, उसके बाद जो रीजनलाइजेशन है, जो रीजनल एसोसिएशन है लाइक SAARC, APEC और ये सब, BIMSTEC वगैरह, इनके बारे में बताएंगे, ठीक। फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताएंगे। सो रेगुलर वीडियोज आती जाएंगी जिससे आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको काफी मदद मिलेगी। सो दिस वाज ऑल द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू हैव लर्न्ड समथिंग न्यू, और अगले वीडियो तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद।